पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निकाय चुनाव में अपना अस्तित्व खो चुकी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में एक बार फिर से जमीन तलाशने में जुटी है। संगठन में हो रहे बिखराव को रोकने की नीयत से और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने अपनी जिले की कार्यकारिणी घोषित कर दी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि आज नई कार्यकारिणी घोषित की गई है जो संगठन को मजबूत करेगी और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगी। आज सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और सभी को शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीपी यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना सांसद बनाएगी और कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव को मजबूत करने का काम करेंगे। अध्यापक है, बहुत मेहनती है ये। देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव जो देश में होने जा रहा है वो 77 की जनता पार्टी याद दिलवाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंडिया नाम से ये हमारा गठबंधन बना है, ये ऐसा गठबंधन बना है कि जनता के दिलों में उतर गया है और अब लड़ाई इंडिया बनाम मोदी की होगी और ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की है और हमारी गठबंधन में विजय होगी। इसी क्रम में मुझे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा आदेशित किया गया है कि मैं जिले की कार्यकारिणी बनाकर घोषित करूँ। तो आज मैंने अपने बहुत ही बहादुर साथियों को, जो पुराने पदाधिकारी थे उनको भी बनाया है, कुछ पदाधिकारी मैंने नए बनाए हैं और सभी को मैंने पत्र वितरित कर ये उनका निवेदन और आग्रह किया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जनपद ही नहीं, मंडल नहीं, आसपास के जिलों में भी समाजवादी पार्टी को जिताने का कार्यकारिणी से। देखिए, मेरी कार्यकारिणी तो लोकसभा विधानसभा में बहुत काम किया था और 5 सीटें जीती थी। मेरी जिले में जितनी भी सीटें आती हैं समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीती। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।